लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के श्यामला घाट में वन मंडल शिमला द्वारा आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिमला तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 187 हेक्टेयर जमीन पर 81,800 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूर्ण करने के लिए स्थानीय लोगों, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा महिला एवं युवक मंडल के सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। आयोजित वन महोत्सव के अवसर पर बेहड़ा का पौधा रोपित करने के उपरांत उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिमला की सुंदरता बनाए रखने तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम सभी का दायित्व है कि हम सभी अधिक से अधिक पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। और पूरे शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मुझे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपने मुझे दूसरी बार यहाँ से भारी मतों से जिताकर जो है वो विधानसभा के अंदर भेजा है। और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि शिमला ग्रामीण जो हमारी हम सब का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ के विकासात्मक कार्यों को हम आगे लेकर जाएं। और उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी आपके आशीर्वाद के साथ मुझे प्रदेश में भी मिली है, उसको भी हम उसका भी निर्वहन करने का हर संभव प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और लगातार हिमाचल प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य चले हुए हैं, सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, आपके नए भवनों के निर्माण हो रहे हैं, नए ब्रिजेस के निर्माण हो रहे हैं, कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में नए मील हमने प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर जो है वो स्थापित किए हैं। और आज प्रदेश के अंदर पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में करीबन आपका 3,000 से लेकर 3,500 किलोमीटर सड़कों के नए सड़कों का निर्माण और अपग्रेडेशन जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है। कुछ मांगे भी आपके पंचायत के माध्यम से इस इलाके के विकासात्मक योजनाओं के लिए दी गई है। देखिए, हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, हमारी ओर से इलाके के विकास के लिए कोई कमी नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज तक अभी 1.5 साल के कार्यकाल में, ये वाला कार्यकाल में, पिछला कार्यकाल नहीं गिन रहा जब मैं विपक्ष में था, उस समय भी विधायक निधि से हमने बड़ा सहयोग दिया है, मगर अभी जो हमारा 1.5 साल का कार्यकाल हुआ है उसमें केवल आपकी पंचायत को, श्यामला घाट पंचायत के लिए टोटल 14 लाख रुपए मैंने जो है वो विधायक निधि से और DCP के माध्यम से केवल श्यामला घाट पंचायत के लिए स्वीकृत करवाए, जिसमें बहुत सी योजनाएं, करीबन 15 योजनाएं। मगर मुझे इस बात का दुख है कि उन 15 में से अभी तक एक भी काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। अभी किसकी गलती है, ये किसकी गलती है? अब मैं किसी के ऊपर जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, किसी के ऊपर कोई वो नहीं करना चाहता, मगर जिम्मेवारी दोनों की तरफ से बनती है ना। हमने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, मैं एक एक मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कहां कहां के लिए वो पैसा हमने 14,50,000 रुपए यहां पर दिए हैं, तो अब उसको ठीक भी करना है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जो मांगे आपने यहां पे रखी है उनको मैं, उसमें भी हम बजट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो पैसा जिसपे कार्य शुरू नहीं हुआ है इसको भी पूरा करना और समय के ऊपर पूरा करना, ये पंचायत की भी जिम्मेवारी बनती है, ब्लॉक की भी जिम्मेवारी बनती है। विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मगर जैसा मैंने आपसे कहा कि ये आपकी भी जिम्मेवारी है, ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजती है, केवल विक्रमादित्य के हाथ से नहीं बजेगी, आपका भी उसमें योगदान चाहिए। तो स्कूल की गुणवत्ता, स्कूल में अच्छा एटमोस्फेयर हो, स्कूल में अच्छे नंबर, आपके बच्चों की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे साइंस ब्लॉक, साइंस की क्लासे मांग रहे हैं, हैं? कॉमर्स की क्लासे मांग रहे हैं, वो तो हम करेंगे, मगर अगर बच्चों में गिरावट होगी तो उसकी जवाबदेही आप लोगों की होगी।